फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनी 007 मैथ्स ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड, आज का पजल ट्रिक्स नंबर 383, चलिए देखते क्या है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का पजल है, व्हाट इज द हाइट ऑफ रेड बार। सैडो पजल है फ्रेंड, तो कैन यू सॉल्व दिस विद इन 5 सेकेंड। तो फ्रेंड, वीडियो को एक पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। ओ फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लिए होंगे, अपने कमेंट और फीडबैक शेयर कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं फाइनली सैडो पजल का फाइनल आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम ध्यान देंगे फ्रेंड ग्रीन बार पे। ग्रीन बार का हाइट देखेंगे फ्रेंड 2 है और सैडो की लंबाई कितनी है 3, मतलब 2 मीटर हाइट के लिए 3 मीटर सैडो बन रहा है। तो अगर हम हाइट को एच ले लेते हैं और सैडो को एस, तो यहाँ पे हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, एच बाय एस इक्वल टू 2/3। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड रेड बार की तरफ। रेड बार में अब ध्यान देंगे फ्रेंड, जो ग्राउंड में सैडो हाइट है वो 6 है और जो ब्लू बार में है वो है 4। तो ये ग्रीन में क्या था, 2 हाइट के लिए 3 मीटर सैडो चाहिए था। तो हम रेड बार में ए ले लेते हैं, जिसके लिए हमें 6 मीटर सैडो बन रहा है, उसका जो हाइट है ए ले लेंगे। और जो अज इट इज 4 है, वो रेड बार का भी ऊपर का पोर्शन 4 ही होगा, क्यों, क्योंकि वो वर्टिकल है। और यहाँ से हमें एक रेशियो मिल जाएगा ए बाय 6 इक्वल टू 2/3। नीचे सैडो पोर्शन जो ग्राउंड सैडो है उसके रेशियो के इक्वल होगा रेड और ग्रीन बार का। और यहाँ हम ए को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, 2 × 6/3, 12/3, एंड फाइनल आंसर होगा 4। तो ए का आंसर मिल गया है फ्रेंड 4। तो टोटल हाइट ऑफ रेड बार क्या हो जाएगा, ए प्लस 4, ए का वैल्यू है 4, इसलिए 4 + 4, फाइनल आंसर होगा 8 मीटर। यस फ्रेंड, हाइट ऑफ रेड बार होगा 8 मीटर। इस तरह से इस पजल को सॉल्व करेंगे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह के फेमस मजेदार ट्रिकी पजल विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पजल। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।